गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अप माई चैनल एजुकेशनल आर्गुमेंट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग कर रही होगी, तो वो कन्फ्यूजन्स को क्या हम बिहार स्टेट के लिए क्या कन्फ्यूजन्स है क्या नहीं है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देख लो, अपेयरिंग को भी मिले स्टेट 2023 में फॉर्म भरने का मौका। आपको पता है कि ये फॉर्म 23 तक भरना, आज हो गई है 22 तारीख, कल है आपका इस फॉर्म का लास्ट डेट। छात्रों ने एनसीटी 2023 में अपेयरिंग को फॉर्म भरने का मौका देने की मांग की है। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में यूथ हॉस्टल पटना छात्रों की बैठक हुई। इसमें अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि एनसीटी हर साल नहीं होता है, इसलिए अपेयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अब देखिए, आपको जैसे कि आपको इसमें बिहार बीपीएससी में मिल चुका था शिक्षक भर्ती वाले में, तो कहीं इसमें सीटेट साल में दो बार आयोजित किए जाए एनसीटी। एक मिनट, होता है उसमें जो छात्र नामांकन बीएड में नामांकन लिए तो उनको ही फॉर्म भरने का अवसर मिला जाए। एनसीईटी के दिशा निर्देश ऐसा भी है कि बिहार में एनसीईटी इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए 2011 के बाद 2023 में आया है। बिहार में लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सत्र विलंब से चला है, कई विश्वविद्यालयों में रिजल्ट आ चुका है लेकिन अंक पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण लाखों छात्र वंचित हो चुके हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, अब आपको अपेयरिंग में मौका मिलता है या नहीं, जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।